come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Please sit down. Thank you, sir. So you are Kanora? Yes, sir. What time you got up in the morning? Sorry, sir. So that it tells you okay. Sir, 7 AM. अपना रूटीन बताइए, सुबह उठने से लेके डेली का रूटीन क्या है? सर सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर फ्रेश होने जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, बात लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्टडी करता हूँ, फिर हमारी एक 10:30 पे क्लास होती है, वो अटेंड करने के बाद 11:30 पे न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, फिर लंच होता है, फिर लंच करने के बाद में थोड़ी देर स्टडी करता हूँ, फिर हमारा एक टी ब्रेक होता है, फिर उसके बाद हमारा गेम पीरियड चलता है, फिर आके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, 6 PM पे आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम टी ब्रेक होता नहीं फिर थोड़ी देर स्टडी करता हूँ, फिर हमारा लंच होता है, और फिर एक हमारी क्लास होती है, फिर उसके बाद टी ब्रेक होता है, फिर उसके बाद हमारा 10 PM पे हमारे जो होता है वो स्लीप करते हैं। एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं सर? गेम में आपको मन को थोड़ा सा बहलाने के लिए सर गेम कौन सा गेम सर? 4 PM पे क्या गेम पीरियड होता है? क्या खेलते हैं सर? फुटबॉल। फुटबॉल में किस पोजीशन पे खेलते हैं सर? मिड में। और आपके घर में और कौन कौन है फैमिली मेंबर्स? सर मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई। आप यूपी सैनिक स्कूल का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आपको इसको यूपी सैनिक स्कूल ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर बाय माय फादर। कैसे उन्होंने क्या बताया और आप कैसे प्रेरित हो गए उनको बताने से? सर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे NDA की प्रिपरेशन होती है, फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पे NDA की प्रिपरेशन के बाद NDA एग्ज़ाम, जब 12th यहाँ से कंप्लीट हो जाती है फिर NDA एग्ज़ाम होता है हमारा, अगर हम उसे क्रैक कर देते हैं फिर हमारी 4 years की ट्रेनिंग होती है, फिर हमारी जॉब जो होती है, फिर हम आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं। आपको हॉबी इंटरेस्ट क्या है सर? सर इंटरेस्ट है साइकिलिंग। साइकिलिंग, हाँ साइकिलिंग। ओके, जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं डेली, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, आजकल न्यूज़पेपर में जलजला आ रहा है, एक ही खबर लगातार चल रही है सर, बजट की चल रही है। हाँ बजट की है, लेकिन बजट को तो ये मान के चलो खबर में रख दिया, सरकार का इरादा था कि बजट को लेके चलेंगे, लेकिन उसने जो यहाँ की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है वो भी मुझे यहाँ की बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और ऐसे। ओके, तो ये तो बच्चों को भी सारे स्कूल्स में, आप कहाँ से? आप सहारनपुर से हैं? यस सर। सहारनपुर से, तो सहारनपुर में भी है एक उधर पकड़ लिया मैंने कहा ना, और आपको हॉर्स राइडिंग में भी है। और जो सर ये जो ये होता है इसके लिए ये हमें, पर वहाँ पे जब हम करते हैं तो वहाँ बस हॉर्स राइडिंग वगैरह ऐसी चीजें मिल सकती है, पर वहाँ NDA की प्रिपरेशन नहीं हो सकती ऐसे, मतलब जो प्राइवेट है वो होती है। तो
प्राइवेट वाले के बच्चे और भी प्राइवेट वाले तो और भी अच्छी कराएंगे, हम तो सरकारी वाले को क्या कराएंगे, यदि प्राइवेट और भी अच्छे होंगे तो ये सर वो सर पर एक नॉर्मल पर्सन के उसमें तो नहीं आ सकता ना, वो रिच पर्सन के लिए होता है। अच्छा, नॉर्मल। हाँ ठीक है, ठीक समझिए। ओके, आपने बताया आपको साइकिलिंग का भी शौक है, तो मुझे साइकिलिंग में भी आप कोई अपना करियर की तलाश है या सिर्फ नॉर्मल साइकिलिंग है? सर नॉर्मल। नॉर्मल साइकिलिंग। आपके नाम का मतलब क्या हुआ? सर अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। कैन यू टेल मी द फेमस पर्सनालिटी अटैच्ड टू योर नेम? सॉरी सर, आई डिड नॉट नो। कोई भी मूवी वगैरह सॉरी सर मूवी वगैरह आपने देखी हो? अनुराग, अब जो डायरेक्टर बोले अनुराग कश्यप। यस सर, अनुराग कश्यप तो बहुत फेमस डायरेक्टर है। इवन जो मन दिल में एक एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा हूं अनुराग, हमारे अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर वो कौन से मिनिस्ट्री है, हमारे मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम बता दूं, कौन से मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर बोल देते हैं न्यूज पेपर में। सॉरी सर, आई नो। हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं। आज की कोई खास खबर आज और कल की? सर फाइव जो कंट्रीज है वहाँ पे मतलब 40 टाइम्स अर्थक्वेक्स आ गए अब तक, और 3000 सर ये नहीं पता कहाँ पर है, कुछ पता है? नो सर, पर जो उसके अंदर 3200 पर्संस जो अब तक मर चुके हैं। मिस्टर सुधीर कुमार, मिसेस मीना कुमारी। सोल्जर्स के लिए सर, मैम कॉमन सर, माय फादर। योर माय फादर। योर फादर, तो आपकी क्या चीज आपके फादर का को नजर आती है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेरित होते हो? यू बहुत अच्छी, क्या चीज है सर? उनके हार्ड वर्किंग जो मुझे जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, वो मुझे पढ़ाने के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं बहुत ज्यादा, और वो मुझे मतलब जो मुझे प्रेरित भी करते हैं बहुत ज़्यादा आर्मी के लिए। और आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप सुधारना चाहेंगे? वीकनेस? यस सर। क्या है? सर मैं कभी कभी किसी काम को करने में जल्दबाजी करता हूँ, जैसे कि अभी यूपी सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर मुझे 5 क्वेश्चंस आते थे, पर वो मैंने जल्दी जल्दी में मैंने गलत कर दिया। इसके ऊपर कुछ सुधार करें चल रहा है? यस सर। कैसे? सर मैं अपने ऊपर अच्छे तरह से कंसंट्रेशन कर रहा हूँ जिससे मैं उसे सही कर सकूँ। मैं अपने आप को अब जब भी मैं कहीं किसी कोई मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है मैं उसे 2-3 बार अपने माइंड में सोचता हूँ फिर उसका आंसर करता हूँ। पहले मतलब आपने सोचना शुरू कर दिया एकदम से, सीधा आंसर से Yes, sir. और कोई आपकी कमी जिसको सुधारना चाहते? सर माय हैंडराइटिंग। एंड योर स्ट्रेंथ? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? सपोर्ट ऑफ माय फैमिली। वो सबसे आपकी ताकत है, सपोर्ट करता है फैमिली। कैसे सपोर्ट? ये कैसे सर? नहीं मतलब सर मैं जो मेरे परिवार है
वो मुझे सपोर्ट करते, तो मुझे उससे स्ट्रेंथ मिलती है। उससे आप पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सर ये खुद की स्ट्रेंथ जो एज पर्सनैलिटी में देखते हो आपके अंदर की, ये मेरे सबसे अच्छी स्ट्रेंथ मानता हूं, ताकत मानता हूं। सर क्लीनिंगनेस, सर क्लीन रहना, क्लीन रहना और डिसिप्लिन रहना। बच्चे मुझे जैसे बताओ, जैसे जैसे भी आप सैनिक स्कूल में चले गए, सेवंथ क्लास में आप जाएंगे वहां, यस यस, सेवंथ क्लास में 8 9 10 12 आपने की, आप एमबीए पास कर ले, आर्मी ऑफिसर बन गए, और आपकी सर इसमें जो इनकी जो जो पोस्ट मिलेगी, पहली पोस्ट कर्नल की भी मिलती है, लेफ्टिनेंट होगी, आप लेफ्टिनेंट बन गए। Yes. और हुआ क्या सर, उसी टाइम मान के चलिए किसी कंट्री के साथ आपको फॉरवर्ड पोजीशन पे जाना था, ठीक है, उधर से आपने पेरेंट्स से बात करे, मम्मी पापा से बात हुई है, उधर आपको ड्यूटी मिलेगी कि आपको लीड करना है, मिशन को लीड ही करना है, उधर से आगे आपके पेरेंट्स से कि नहीं बेटा सोच लो, कोई कोशिश कर लो कि आपको ना जाना पड़े, छुट्टी ले लो, तो आप मतलब इस सिचुएशन से कैसे निकले? सर मैं अपने आर्मी को, मतलब मैं अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा वो करूँगा कि अभी मैं अब छुट्टी नहीं ले सकता अपने कंट्री के लिए, मैं अपने मम्मी पापा को मना कर दूंगा कि अभी मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तो आप उसमें मतलब कुल मिलाकर लीड करोगे? यस सर। लीड करोगे, जाओगे? यस सर। आपके आपके मम्मी रो रही है, पापा भी कहेंगे नहीं बेटा आप कुछ देख लो, परेशान है आपको भी, आप अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं शून्य। A plus B का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस मैम, यस मैम, बड़ी नेशनल सॉन्ग हो बेटी। सर हमारा जो नेशनल सॉन्ग भाई दो है हमारे, जन गण मन हो गया, यस सर, ठीक है, जन गण मन वो सर नेशनल एंथम हो गया, नेशनल एंथम हो गया, और दूसरा क्या है आपका, वंदे मातरम क्या है? सर नेशनल नहीं सर, नेशनल सॉन्ग भाई वंदे मातरम ही तो है, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों उसमें उसमें ओके अनुराग, थैंक यू सो मच।